अपने वीवो मोबाइल में ऐप कैसे ऐड करें, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा सबसे पहले। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, इसमें जाना है। अब इसमें आपको प्राइवेसी एंड ऐप एनक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। और यहाँ से अगर आपने प्राइवेसी पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ तो सेट कर देना है, जैसे कि ये हमने पासवर्ड सेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम इस पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ऐप हाइड का देखना है। तो यहाँ पर यूज़ द प्राइवेसी पासवर्ड फॉर ऐप इनक्रिप्शन, ठीक है, या हाइड ऐप, तो हमें हाइड करना है ऐप को, तो इसमें जाना है यहाँ पर। और यहाँ से हमारे पास कुछ सेटिंग्स भी आ जाएगी ऐप को हाइड करने की। और यहाँ से व्यू हिडन ऐप, कैसे देखना है ऐप इन हिडन ऐप्स को, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो आपको स्लाइड अप, टू फिंगर्स के साथ स्लाइड अप, आप अगर आप होम स्क्रीन पर टू फिंगर्स के साथ स्लाइड करेंगे तो आपको ये हिडन ऐप्स दिख जाएगी। तो उसमें फिर आप सेट कर सकते हैं वेरीफाई प्राइवेसी पासवर्ड, ताकि और कोई इस तरीके से खोल ना सके, ठीक है। या फिर पासवर्ड आप नहीं रखे तो भी टू फिंगर्स करेंगे तो सामने आ जाएगी हिडन ऐप्स। तो जैसे कि यहाँ से कुछ ऐप्स मुझे हाइड करनी है, तो जैसे कि यहाँ से तो यहाँ से कुछ ऐप्स हाइड कर दी, ठीक है, ये ऐप्स हमने हाइड कर दी। यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं हाउ एंड व्हेन टू हाइड ऐप। तो यहाँ से व्हेन लॉकिंग द स्क्रीन ऑटोमेटिकली हाइड ऐप्स व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड, व्हेन एग्जिटिंग टू स्टैंड बाय इंटरफेस, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जब स्क्रीन लॉक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ये ऐप भी हाइड हो जाएगी। इसके अलावा आप सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर रनिंग इन द बैकग्राउंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, इतने टाइम के बाद ये यहाँ पर हाइड हो, ऐप्स हाइड हो जाएगी। तो जैसे कि अब अगर ये ऐप्स हाइड हो गई है, तो अब हमें यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जो ऐप्स आपने हाइड किए वो यहाँ पर नहीं दिखेगी, तो उसके लिए क्या करना है, टू फिंगर्स लेकर स्लाइड अप करना है, ठीक है, दो फिंगर्स के साथ। तो ये आ गई, टू फिंगर्स के साथ हमने स्लाइड किया और ये हमारे सामने, दोनों फिंगर्स को साथ में नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की ओर स्लाइड करना है। तो ये आपके पास प्राइवेसी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया। और ये पासवर्ड आप डालेंगे तो यहाँ से प्राइवेसी पासवर्ड सपोर्ट फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, तो ये भी सपोर्ट करता है, सीधा आप फिंगरप्रिंट डाल दीजिए या फिर पासवर्ड, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसके लिए पहले स्क्रीन का पासवर्ड डालने होंगे, सो ये यहाँ से लॉक स्क्रीन के भी पासवर्ड डाल दिए और ये फिंगरप्रिंट का भी स्टार्ट हो गया। यानी आप जब भी टू फिंगर्स के साथ स्लाइड अप होगा आपके द्वारा, तो आपके पास पासवर्ड, वो जो प्राइवेसी पासवर्ड डालने का भी ऑप्शन रहेगा और फिंगरप्रिंट यूज़ करने। तो ये सारी हिडन ऐप्स आ गई हमारे सामने, तो यहाँ से आप इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बैक गए तो यहाँ से ये ऐप्स फिर से गायब, और टू फिंगर्स के साथ स्लाइड अप, तो ये हमारे पास पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, और फिंगरप्रिंट को भी वेरीफाई करके, जैसे फिंगरप्रिंट ही यूज़ किया तो डायरेक्ट ये हमारे सामने हिडन ऐप्स आ गई। तो ये तरीका है अपने वीवो मोबाइल में ऐप्स को हाइड करने का, और इस तरीके से उनको एक्सेस कर सकते हैं आप। और सेटिंग्स में जाकर फिर से वहीं पर आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि ये प्राइवेसी में, या कोई और ऐप्स अगर आप हाइड करना चाहे
तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इन ऐप्स को फिर से अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा ऐप को चाहे तो आप हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। तो यह है अपने व्यू मोबाइल में ऐप्स हाइड करने का तरीका। तो यहाँ पर आपको ऐप एनक्रिप्शन का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि पासवर्ड लगा सकते हैं यहाँ पर, ऐप्स को लॉक कर सकते हैं और हाइड ऐप में ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड ऐप एनक्रिप्शन में मिल जाते हैं।